देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए समाहरणालय पहुंचे। दरअसल पप्पू यादव इस बार के चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के सहयोगी RJD ने पहले ही इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में उन्होंने इस लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नामांकन से पहले पप्पू यादव ने कहा कि आज का दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है, क्योंकि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूर्णिया और बिहार में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करूंगा, कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्थापित हो। उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं की देश की अर्थव्यवस्था की बात होनी चाहिए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि महागठबंधन के विरोध में नामांकन करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर मेरठ लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदला है। पार्टी ने अब सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है और वह आज गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बता दें कि 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज 4 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। दरअसल इससे पहले सपा ने एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को बदलकर अतुल प्रधान को टिकट दिया था, लेकिन अब एक बार फिर पार्टी ने उनकी जगह सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच अतुल प्रधान ने कहा है कि यदि मेरा टिकट कटा तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को आज ही अपना इस्तीफा भेज सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि BJP की ओर से अरुण गोविल मेरठ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ही बैक टू बैक रैलियां करेंगे। पहले ममता बनर्जी कूच बिहार में रैली करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी करीब 3 बजे कूच बिहार के रसलीला मैदान में रैली करेंगे। बता दें कि कूच बिहार लोकसभा सीट से BJP ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक को टिकट दिया है, तो वहीं उनके सामने TMC के जगदीश वर्मा बसुनिया मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरुवार को बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित किया और वहां से NDA के प्रत्याशी अरुण भारती के लिए वोट की अपील की। PM मोदी ने जनता को प्रणाम करते हुए कहा कि यह जनसभा नहीं बल्कि विजयी सभा है। बिहार की 40 सीटें NDA को आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सबको नमन करता हूं। इसलिए पूरा बिहार कह रहा है कि फिर एक बार NDA सरकार। मैं जब भी आपके बीच आया हूं आपका प्यार मिला, लेकिन आज इस मंच से एक कमी महसूस हो रही है कि जब बिहार के बेटे और मेरे मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं हैं। मुझे संतुष्टि है कि रामविलास जी के विचारों को मेरे छोटे भाई चिराग पासवान अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जमुई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रहे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था, आज वह लोग बहुत बातें कर रहे हैं। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला लेकिन क्या किया, 2005 के बाद हम लोग आए तो शाम और रात में लड़का और लड़की घर से बाहर निकलते हैं। भतीजे तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों के काम को अपना काम बता रहे हैं। हम लोग कुछ दिन के लिए साथ के आ गए, सारे काम को अपना बताने लगे, लेकिन अब हम हमेशा के लिए इधर आ गए हैं। हम लोगों ने कितना काम किया, 2005 से पहले हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था। मुस्लिम समुदाय से अपील है कि भूलिएगा मत, हम लोग झगड़ा नहीं होने देंगे, लेकिन अगर उन लोगों को वोट दीजिएगा तो झगड़ा शुरू करवा देंगे, इसलिए विपक्ष के झांसे में नहीं आना है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। घाटी की 3 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियों के एक दूसरे के सामने अपने उम्मीदवार उतारने के फैसले के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। इसे लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उनके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। वहीं उनके इस बयान पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि साल 2020 में जब जिला काउंसिल के चुनाव के वक्त गुपकार अलायंस बना था तो उस समय जो सहमति बनी थी PDP अब उससे पीछे हट रही है। उस सहमति में यह तय हुआ था कि जिस पार्टी ने जो सीटें जीती हैं उन पर वही पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेंगी। बता दें कि साल 2019 में 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल बुधवार को अपनी वर्तमान लोकसभा सीट वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया है। अपना नामांकन दाखिल करने का एक वीडियो भी राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में कांग्रेस नेता ने लिखा कि वायनाड मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार हैं। पिछले 5 सालों में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने मुझसे बहुत प्यार और स्नेह किया है। मैं बहुत गर्व और विनम्रता के साथ इस खूबसूरत भूमि से एक बार फिर लोकसभा 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे में कई जानकारियां सामने आई हैं। उन्होंने अपने शपथ पत्र में कहा है कि उनके नाम पर कोई गाड़ी नहीं है और साथ ही ये भी बताया है कि पिछले 5 सालों में उन्हें 6 करोड़ रुपये की इनकम हुई है। शपथ पत्र में राहुल गांधी ने अपनी कुल संपत्ति 20.39 करोड़ रुपए बताई है, जो कि पिछले चुनाव यानी 2019 में 15.88 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने बताया है कि उन्होंने 25 कंपनियों के शेयर खरीदे हुए हैं, जिसमें उनके 4.33 करोड़ रुपए जमा हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में भी 3.81 करोड़ रुपए हैं और करीब 15 लाख रुपए के गोल्ड बॉन्ड भी हैं। शपथ पत्र के मुताबिक राहुल गांधी ने बीमा के रूप में 61.52 लाख रुपए जमा किए हैं और उनके पास 4.20 लाख कीमत के सोने और अन्य तरह के आभूषण हैं। इसके अलावा उनके पास करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। आपको बता दें कि इंडिया एयरलाइंस की सहयोगी CPIM ने वायनाड लोकसभा सीट से एनी राजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कॉमरेड एनी राजा पूरे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से उम्मीदवार हैं। उन्होंने महिला आंदोलन में बहुत ज़बरदस्त भूमिका अदा की थी। वहीं उम्मीदवार की घोषणा करते हुए CPIM नेता फ्रिंदा करात ने फरवरी में कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आकर लड़ेंगे तो आप खुद क्या मैसेज भेजेंगे? इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। बता दें कि CPIM और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में राहुल गांधी और एनी राजा दोनों सहयोगी दल के लोग आमने सामने होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान से नाराज 22 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और इंडिया एलायंस का समर्थन करने की बात कही है। टिकट ना मिलने से नाराज पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार ने कहा कि बागी नेता अब इंडिया एलायंस का समर्थन करेंगे। खबरों के मुताबिक पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने वालों में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हैं और NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार कई नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर पैसे के बदले टिकट बांटने के भी आरोप लगाए हैं। बता दें कि चिराग पासवान को बिहार में NDA से सीट बंटवारे के तहत 40 में से 5 लोकसभा सीटें मिली, जिन पर वे अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक से दूसरी पार्टी में जाना, गठबंधन तोड़ना या नया गठबंधन बनाना लगा हुआ है और इसी कड़ी में अब बीजेपी की ओडिशा इकाई के उपाध्यक्ष भृगु बख्शी पात्रा और कटक के जिला अध्यक्ष प्रकाश बेहरा भी पार्टी का दामन छोड़ BJD में शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से पार्टी विधायक प्रदीप पाणिग्रही को बहरामपुर सीट से टिकट दिए जाने के बाद बख्शी पात्रा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव के लिए ओडिशा के सत्तारूढ़ BJD ने कल बुधवार को अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और कुछ ही घंटों पहले बीजेपी का दामन छोड़ BJD में शामिल हुए भृगु बख्शी पात्रा को बहरामपुर से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा परिणीता मिश्रा को बारागढ़ से, बालांगीर सीट से सुरेंद्र सिंह भोई, भद्रक सीट से मंजुलता मंडल और केंझार सीट से धरुंजय सिद्धू को लोकसभा का टिकट दिया गया है। बता दें कि सुरेंद्र सिंह भोई भी बीते हफ्ते ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर BJD में शामिल हुए हैं। वहीं इस नई लिस्ट में पार्टी ने 2 मौजूदा सांसद चंद्ररानी मुर्मू और चंद्रशेखर साहू का टिकट काटा है। इसके अलावा BJD ने विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव से पहले जारी इस्तीफे के दौर में अब कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए अपने इस्तीफे में कहा कि पार्टी नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल नहीं समझ पा रही, जिससे मेरे जैसा कार्यकर्ता हतोत्साहित महसूस कर रहा है। मैं राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से शुद्ध हूँ, मैं कर्म से हिंदू हूँ और मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी और गठबंधन के कई लोग सनातन विरोधी नारे लगाते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है।
गौरव वल्लभ ने साथ ही ये भी कहा कि ना ही मैं सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी द्वारा कल बुधवार को जारी की गई लिस्ट में मथुरा सीट से मुकेश थांगड़ और सीतापुर सीट से नकुल दुबे को बदलकर राकेश राठौड़ को टिकट दिया गया है। बता दें कि मथुरा से बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर हेमा मालिनी मैदान में है, वहीं सीतापुर सीट पर बीजेपी ने राजेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया पर्दा ने आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कल बुधवार को अपने जन्मदिन के मौके पर तिरुमाला मंदिर में दर्शन के बाद कहा कि मेरी आंध्र प्रदेश से चुनाव में भाग लेने की इच्छा है और यह सब पार्टी में उच्च अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करता है। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसकी अधिक संभावना नहीं है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा आंध्र प्रदेश से मैदान में उतारी जाएं, क्योंकि पार्टी ने पहले ही इन दोनों चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि राज्य में बीजेपी टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन कर इन चुनावों को लड़ रही है। समझौते के तहत बीजेपी को 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटें मिली हैं। वहीं इसके अलावा जया प्रदा ने राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारक बनने की भी इच्छा व्यक्त की। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।